अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंबई फूड कॉर्नर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ पॉपसिकल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चार आलू लिया है, इसे बॉईल कर लिया है और इसे हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अब आलू मैश हो चुके हैं। 200 ग्राम चिकन ली हूँ, इसे अदरक लहसुन पेस्ट और नमक डाल के बॉईल कर लिया है और इस तरीके से टुकड़े कर लेना है हमें। उसके बाद में वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। तो इसे मैंने थोड़ा सा चिकन के पानी में सॉटे कर लिया था। एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स लिया है और ये चाट मसाला आधा चम्मच और आधा चम्मच ऑर्गेनो डाला है। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पेस्ट है वो ऐड करना है और ये रगड़े का मसाला है। ये रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर है, अगर आपके घर में टेस्ट पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिएगा। ये मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद में हमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, चिकन में नमक है इसलिए नमक कम ही डालिएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये मोज़रेला चीज़ है, 1 कटोरी भर के मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं। इसे हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद में हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। 1 कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका पॉप्सिकल ज़्यादा है तो आप 2 कटोरी ले सकते हैं। और ये मैगी मसाला है, मैगी मसाला इसमें डालने से फ्लेवर 1 नंबर आता है। और ये आइसक्रीम के स्टिक्स हैं, ये बाज़ार में मिलती है। और ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने ये ब्रेड के कोनों से ही बनाया है, आप भी घर पर बना सकते हो। उसके बाद में हमें इस तरीके से गोल करना है और स्टिक को अंदर पूरा अंदर तक हमें घुसाना है और इसे आइसक्रीम का शेप देना है। अच्छे से प्रेस करके हमें इसे आइसक्रीम का शेप दे देना है। इस तरीके से सारे चिकन चीज़ पॉप्सिकल्स बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं सारे चिकन चीज़ पॉप्सिकल्स बना ली हूँ। अब उसके बाद में ये लिक्विड है जो, उसके अंदर डीप करना है और ब्रेड क्रम्स में पटक देना है इस तरीके से। देखिए आगे पीछे हमें इसे अच्छे से लतपत कर देना है और प्रेस कर देना है। सारे चिकन चीज़ पॉप्सिकल्स बन के रेडी हो गए हैं। एक कढ़ाई लेना है, उसमें ऑयल डालना है और ऑयल गर्म होने के बाद एक एक पॉप्सिकल्स उसमें ऐड करते जाना है। और इसे ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं न्यू रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूं। तो देखिए इस तरीके का कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनता है, बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे आगे और न्यू रेसिपी लेके आने में खुशी महसूस हो। तो देखिए कितना मस्त और क्रंची और क्रिस्पी बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।